नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की बजाज पल्सर 220F के न्यू कलर के बारे में। हाल ही फिलहाल में आप सभी को पता होगा कि बजाज ने पल्सर सीरीज़ में ड्रैगर एडिशन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 150, 180 और 220F थी। उसमें सब में आपको 220 मतलब जो ड्रैगर एडिशन वाले जो कलर थे सेम देखने को मिलने वाले थे। बस यहाँ पर देखा जाए 220 जो एफ है इसमें क्या है, सेमी फेयरिंग आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बॉडी ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ग्राफिक्स में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी कलर सारे बाइकों में सेम थे, लेकिन अब जाकर बजाज थोड़ा से मतलब अब नए कलर निकाल रहा है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक जो कलर है उसको ज़्यादा मतलब प्राथमिकता दी जा रही है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, पहले क्या था, जो स्पार्कल ब्लैक आता था उसमें थोड़ा सा मैट फिनिश ज़्यादा आता था, लेकिन अब ये हाई ग्लॉस ब्लैक में नज़र आने वाला है। देख सकते हो चमक रहा है, इसका मतलब ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में अब आपको ये चीज़ नज़र आने वाली है। तो ये जो कलर है अब आपको नया देखने को मिलने वाला है। इसमें देखा जाए तो एक और कलर आएगा, जिसमें ग्लॉस ब्लैक के साथ में ब्लू कलर आता है, और एक और कलर आता है जिसमें ग्लॉस ब्लैक के साथ में सिल्वर। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्लॉस ब्लैक के साथ में रेड का जो कॉम्बिनेशन है उसको दिखाने वाला हूँ। अब देखा जाए तो जिसको मैट कलर पसंद नहीं है उनके लिए ग्लॉस जो है वो काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत सारे लोगों को यार मैट कलर जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इस वजह से बजाज ने एक और ऑप्शन दे दिया है इस बाइक में। अब इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस है 1,54,000 रुपीज़ ऑन रोड रायपुर। बाकी आप अपने सिटी की प्राइस अपने नज़दीकी डीलरशिप से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, बाकी की सारी डिटेल्स आप वहां से ले सकते हैं। प्राइस देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपकी सिटी और मेरी सिटी में। कलर ऑप्शन थोड़ा सा बताना मुश्किल हो गया है, बिकॉज बजाज कब नया कुछ ला के रख देता है ना, समझ ही नहीं आता। फिर भी जितने कलर ऑप्शन है मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आपको कौन सा कलर पसंद है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसका पूरा डिटेल वॉक अराउंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर वाइज़र देख सकते हैं, ये टिंट ब्लैक में नज़र आएगी, ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट साइड में है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी बड़ी जो बबल वाइज़र आती है आप उसको लगा सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहेगा। बॉडी इंटीग्रेटेड मिरर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के, काफ़ी वाइड व्यू मिलता है इसमें। यहाँ पर है बजाज का लोगो। हेडलैम्प की यहाँ पर बात की जाए तो हेडलैम्प इसमें मल्टी रिफ्लेक्टर सेटअप और प्रोजेक्टर सेटअप दोनों में नज़र आता है, दो पायलट लैंप नज़र आ जाते हैं। प्रोजेक्टर सेटअप नीचे में रहेगा और मल्टी रिफ्लेक्टर सेटअप ऊपर में रहने वाला है। साइड्स में दोनों साइड में देखोगे तो ग्रिल नज़र आ जाती है, नीचे में नंबर प्लेट की स्पेस। इंडिकेटर की यहाँ पर बात की जाए तो इंडिकेटर इसमें बल्ब टाइप में नज़र आने वाले हैं, और ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है। गाड़ी अगर आपकी गिर भी जाती है तो इतनी जल्दी ये टूटते नहीं है, थोड़ा सा ग्राफिक वर्क यहाँ पर भी नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर जो फ्रंट मडगार्ड है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, यहाँ पर भी फेक कार्बन फाइबर टेक्सचर नज़र आ जाता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये हॉट स्टैंपिंग नहीं है, ये स्टिकर के रूप में आपको नज़र आने वाला है, थोड़ा सा ग्राफिक वर्क यहाँ पर भी दिया हुआ है। फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में यहाँ पर टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं, काफ़ी थिकर फॉर्क है, देख सकते हो काफ़ी थिकर फॉर्क इसमें मिल जाते हैं। अब इस साइड में आ जाते हैं, वहीं बात की जाए इसके फ्रंट ब्रेकिंग के बारे में, तो फ्रंट में इसमें सिंगल डिस्क नज़र आ जाती है, 280mm की डिस्क प्लेट है, डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में ये चीज़ आ जाती है। सेफ्टी की यहाँ पर बात की जाए तो सेफ्टी में यहाँ पर देखा जाए तो सिंगल चैनल ABS विथ RLP मिल जाता है। RLP होता क्या है, आसान शब्दों में बताता हूँ, RLP में होता ये कि जैसी आप इसकी जो फ्रंट वाली ब्रेक है अगर आप इसमें पैनिक ब्रेक करते हो तो ये अनवांटेड स्टॉप ही होने से रोकता है। टायर सेक्शन की बात की जाए तो 90x90 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं, 17 इंच के अलॉय व्हील में, व्हील के साइड रिम बिट पर रेड कलर की स्टिकर नज़र आ जाएगी। तो ये बात हुई इसके फ्रंट ब्रेकिंग की। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी के पास में आ जाते हैं, सबसे पहले साइड प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ बाइक का, कुछ ऐसा साइड प्रोफाइल रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो अब ये ग्लॉस ब्लैक में नज़र आएगा, जो कि मतलब चमक रहा है, तो इससे समझ में आ जाता है कि ये ग्लॉस ब्लैक अब हो चुका है। ग्राफिक वर्क देख सकते हो, देखा जाए तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये पुराने कलर वापस आए, लेकिन मैं आपको बता दूं पुराने वाले ग्राफिक अलग थे, नए वाले जो ग्राफिक हैं वो टोटली नए हैं, देख सकते हो कुछ ऐसे रहने वाले, पल्सर की 3D बैजिंग, और यहाँ पर टैंक पैड भी नज़र आ जाता है। इसके अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कही जाए तो इसमें 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। टैंक भी देख सकते हो काफ़ी मस्कुलर सी मिल जाती है, थाई सपोर्ट वगैरह उतना खास तो नहीं लगा मुझे, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
थाई सपोर्ट वगैरह भी थोड़ी सी अच्छी है, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसके राइट साइड के स्विचेस की बात की जाए तो राइट साइड में मिल जाता है इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट के स्विच, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। ये चीज़ आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा एसेसरीज का पार्ट है। ब्लैकआउट फिनिश में ब्रेक एंड क्लच लीवर, क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाते हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल साइड में। बाकी आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब इसकी चाबी दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी की रहने वाली है इस बाइक की, इसमें वेब की मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की यहाँ पर बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखा जाए तो इंटरफेस वाला जो चेंज हुआ था वो तो आप सभी को पता है, उसके बाद से अभी तक इसमें और कुछ चेंजेस नहीं हुए, बस कॉस्मेटिक अपडेट ज़्यादा किए गए हैं। साइड्स में यहाँ पर देखोगे तो फेक कार्बन फाइबर टेक्सचर नज़र आ जाता है। बंद करके एक बार फिर से चालू कर देता हूँ, तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हो तो ये एक बार पूरा स्वाइप मारता है। इसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है इसका आरपीएम गेज, आरपीएम लिमिट की लाइट, लो ऑयल प्रेशर की लाइट, यहाँ पर इंजन माल फंक्शन लाइट, और यहाँ पर है इसका मतलब जो इसमें देखा जाए तो रेडिएटर तो नहीं है लेकिन जो ऑयल कूलर है इसमें सेंसर लगा हुआ है, जिससे अगर जो ऑयल की अगर टेम्परेचर मतलब ऑयल कूलर की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगी तो वो वाली जो लाइट है वो ऑन हो जाती है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये इसके काम में आने वाला है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नज़र आएगी साइड्स में देखोगे तो यहाँ पर साइड स्टैंड की जो लाइट है वो आ जाएगी, यहाँ पर लो बैटरी इंडिकेटर आ जाता है, ये इसका देखा जाए तो स्पीड मीटर है, यहाँ पर इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, आगे करते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और ये ट्रिप वन ट्रिप टू, ये ओडोमीटर की मेन रीडिंग, और यहाँ पर डी टी यानी डिस्टेंस टू एम टी भी इसमें मिल जाता है, और यहाँ पर आ जाता है इसका फ्यूल मीटर। साइड्स में लाइट की बात करें तो इंडिकेटर की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, हाई बीम की लाइट, एबीएस की लाइट नज़र आ जाती है। एबीएस की लाइट अभी जल रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत है, जब आप इस बाइक को मतलब थोड़ा सा लाओगे ना तो ये क्या होता है कि बंद हो जाती है, अभी ये जल रही है। अब इसके लेफ्ट साइड के स्विचेस की बात की जाए तो लेफ्ट साइड में मिल जाता हॉर्न, एक बार सुनते हैं इसका हॉर्न, तो इसमें डुअल टोन हॉर्न मिल जाता है, इंडिकेटर, लो हाई बीम, पासिंग की स्विच नज़र आ जाएगी। यहाँ पर भी देखोगे तो ब्लू कलर की बैकलाइट जलती हुई नज़र आ जाएगी, देख सकते हो। अब पता नहीं मुझे दिख रहा है मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट जलती हुई नज़र आ जाती है। इसका जो क्रैश गार्ड है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, डुअल टोन हॉर्न मिल जाता है, और ये है इसका ऑयल कूलर, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर है कैटलिटिक कन्वर्टर, O2 सेंसर, मेरे ख्याल से O2 सेंसर किस साइड में यार, O2 सेंसर, हाँ O2 सेंसर इस साइड में, मैं उस साइड जाऊंगा तब दिखा दूंगा। इसका जो मतलब इंजन वैली है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, यहाँ पर भी ग्राफिक वर्क आपको नज़र आ जाता है। इसमें देखा जाए तो साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर स्टैंड का एडवांटेज ये होता है जब आप अपनी बाइक को वॉश या फिर चैन ल्यूब या फिर क्लीन करते हो तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। अब इसका जो गियर पैटर्न है वो बता देता हूँ, एक नीचे बाकी सारे ऊपर हैं। इसमें 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर साइड बॉडी पैनल देख सकते हो, ये हाई ग्लॉस कार्बन फाइबर टेक्सचर के साथ में आ जाता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा साउंड करते हैं। छोटी सी ग्रिल और यहाँ पर की स्लॉट की स्पेस मिल जाती है जिसकी मदद से आप इसको ओपन कर पाओगे। इस साइड में बैटरी आ जाती है और उस साइड में आ जाता है इसका एयर फिल्टर। बाकी एक बार साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ, साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा रहने वाला है इस बाइक का। अब इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें मिलता है 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वेल्व ऑयल कूल्ड FI मोटर। पावर की यहाँ पर बात की जाए तो 20.4 BHP की पावर मिल जाएगी 8500 RPM पे, एंड टॉर्क की बात करें तो 18.55 Nm का टॉर्क मिल जाता है 7000 RPM पे। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, क्लच टाइप वेट मल्टीप्लेट डिस्क है, ट्रांसमिशन टाइप चैन ड्राइव है। माइलेज की यहाँ पर बात की जाए तो 30-35 KMPL तक की माइलेज की उम्मीद आप इस बाइक से कर सकते हो। अगर आप इसको तौर तरीके से चलाते हो तो काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाएगा, नहीं तो नागिन डांस वाले हो तो भूल जाओ, नहीं मिलने वाला माइलेज। फुल टैंक रेंज की यहाँ पर बात की जाए तो 500 किलोमीटर की फुल टैंक रेंज मिल जाती है। टॉप स्पीड की बात करें तो 135 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रहने वाली है इस बाइक की। वहीं बात की जाए इस बाइक के डायमेंशंस के बारे में, जो इसका कर्व वेट है वो 160 kg का है, 2035 mm की लेंथ है, 750 mm की विड्थ है, 1165 mm की हाइट मिल जाती है, 1350 mm का व्हील बेस मिल जाता है, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि ठीक है, इंडियन रोड ब्रेकर एंड बम को काफ़ी ईजी तरीके से ये क्रॉस कर सकती है। अब आपको इसकी जो सीट है वो दिखा देता हूँ, तो इसमें भी देखा जाए तो स्प्लिट सीट मिल जाती है। कुशनिंग की बात की जाए तो ये थोड़ी सी मुझे हार्ड साइड में लगी, देख सकते हो। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में कहते आ रहा हूँ, अगर आप इसको चला रहे हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कंफर्ट एंड कुशनिंग सस्पेंशन कैसा लगता है।
तो बहुत सारे भाइयों को क्या होता है कि ना एक रफ आइडिया मिल जाता है लेने के बारे में अगर सोचते हैं तो। बाकी यहाँ की पिलियन सीट देख सकते हो, ग्रैब रेल इसमें देखोगे तो स्प्लिट टाइप में नज़र आते हैं, जिससे बाइक की जो मतलब लुक है वो थोड़ी सी स्पोर्टियर बन जाती है। 220F की ब्रांडिंग और ग्राफिक वर्क कुछ ऐसा रहने वाला है। सारी गार्ड देख सकते हो कुछ ऐसा रहने वाला है, इसमें कोई साइड फुट रेस्ट नहीं मिलता है। इसका ये रियर फुट पैक कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो आप चाहो तो इसमें 150 वाला जो मतलब स्टैंडर्ड आता है उसमें जो फुट रेस्ट लगता है वो आप इसमें लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो रियर में ट्विन नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं, वो भी इंड्योरेंस की तरफ से, ये 5-स्टेप एडजस्टमेंट के साथ में आता है। यहाँ पर देखोगे तो इसमें ओपन चैन कवर मिल जाता है, चैन को आपको हर 400 किलोमीटर पर क्लीन एंड ल्यूब करना होगा बॉक्स एक्शन स्विंग आर्म है, जिससे बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। अब इस साइड में आ जाते हैं तो मैं सबसे पहले आपको ओटो सेंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ओटो सेंसर और कैटलिटिक कन्वर्टर। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो बाइक है यहाँ पर इसमें आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया ये सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट के ऑप्शन के साथ में आती है। बाकी इसमें देखा जाए तो ट्विन स्पार्क इग्निशन सिस्टम आ जाता है, मतलब दो स्पार्क प्लग है, एक इस साइड में और एक उस साइड में। और ये इसका रियर ब्रेक फुटपैक कुछ ऐसा रहने वाला है। एग्जॉस्ट देखें तो यहाँ पर एग्जॉस्ट पूरा मैट ब्लैक में नज़र आने वाला है। यहाँ पर भी हीट शील्ड मिल जाती है आपको। अब इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुना देता हूँ। एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके रियर ब्रेकिंग की बात की जाए तो रियर में 230mm की डिस्क प्लेट मिल जाती है, सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में ये आ जाता है। रियर में भी देखोगे तो ABS की जो रिंग है वो नज़र आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये RLP की रिंग है। और वहीं बात की जाए इसके रियर टायर सेक्शन की तो रियर में 120x80 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 17 इंच के एलॉय व्हील में। व्हील के साइड रिम बिट पर यहाँ पर भी रेड कलर की स्टिकर नज़र आ जाती है। बाकी अब आपको इसका जो रियर पोर्शन है वो दिखा देता हूँ, चाबी तो पहले से ही ऑन है। रियर की जो टेल लैंप है ये स्प्लिट LED में नज़र आएगी, ब्रेक मार के भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है, रियर इंडिकेटर सेम फ्रंट जैसा, नंबर प्लेट की लाइट, रेड रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की स्पेस। रियर से अगर आप इस बाइक को देखते हो तो काफ़ी बल्की और हैवी नज़र आती है। बाकी ये बाइक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बाइक को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बाइक की अगर आपको टेस्ट राइड EMI से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वंदना बजाज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, IDs यहाँ पर फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइस मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।